पद्मनगर भिलाई 3 चरोदा निवासी तोशी गोस्वामी ने जिला कलेक्टर से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर अरविंद कुमार एक्का को ज्ञापन सौंपा है। भिलाई 3 चरोदा पद्मनगर निवासी तोशी गोस्वामी ने सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सील के साथ जिला कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई गई है। बीते 31 अक्टूबर की रात्रि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास से कुछ ही दूरी पर स्थित सागर गोस्वामी भारती के मकान के बाहर से हितेश साहू एवं उसके सहयोगी द्वारा दादागिरी करते हुए सागर गोस्वामी को जबरन कार में बैठाकर ले जाया गया था। पति के साथ हो रहे इस घटना को देखते हुए तोशी गोस्वामी ने अपने पति को बचाने और जबरन गाड़ी में बैठाए जाने का सख्त विरोध किया था, जिसके बाद इस घटना में शामिल लोगों द्वारा तोशी से भी मारपीट की गई थी। इस घटना में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सागर गोस्वामी की पत्नी तोशी गोस्वामी ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 31 अक्टूबर के बाद से पूरा परिवार 9 महीने की बच्ची एवं 7 साल के बच्चे के साथ दहशत भरा जीवन गुजारने को विवश है। तोशी गोस्वामी ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में रायपुर निवासी विजय जैन और दीपक त्यागी को इस घटना का मास्टरमाइंड बताया है। साथ ही इन पर भी सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अपहरण की इस घटना के बाद आरोपियों ने सागर गोस्वामी से बेहद मारपीट की थी, जिसकी वजह से मारपीट के निशान अब तक उसके बदन में मौजूद हैं। साथ ही आंखों के समीप सूजन है। सागर गोस्वामी को अब भी सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सागर गोस्वामी और उनकी पत्नी तोशी गोस्वामी ने पूरे मामले की जानकारी दी। उस दिन जो घटना हुई थी, मैं सागर भारती की वाइफ बोल रही हूँ। जिस दिन 31 तारीख को 10:30 बजे अपहरण हुआ था और मैं घर के अंदर थी, वो बाहर से आए 10:30 बजे रात में, घर से बाहर ही थे कार में, और बंटी साहू और उसके 4-5 दोस्त आए थे और अपहरण करके उनको लेके चले गए, घसीटते हुए मारते हुए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन लोग रुके नहीं, मेरे को रोनने की कोशिश की उन लोग, मेरे को मारने की भी कोशिश की, मेरे को धक्का दिए और हम लोग बहुत अभी डरे हुए हैं। प्रशासन से निवेदन है कि हम लोग को अभी सुरक्षित रखे। हम लोग अभी गए थे कलेक्टर ऑफिस, गए थे, हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं और हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग को अभी सुरक्षित रखे। और अभी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे परिवार हैं, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और प्रशासन से मांग करते कि हम लोग अभी सुरक्षा के लिए पुलिस शासन को भेजे। मेरे साथ 31 तारीख रात में 10:30 बजे मुझे यहाँ से 4-5 लोगों के द्वारा अपहरण कर मेरी कार में रायपुर ले गया गया। बीच में मेरे लिए बहुत मारपीट की गई, मेरे साथ मुझे मारा पीटा गया। वो लोग हथियार वगैरह रखे थे, धारदार हथियार था उनके पास और कुछ पैसे का डिमांड कर रहे थे मेरे से। और क्या कहते हैं, बार बार उनके पास फ़ोन आ रहा था, दीपक त्यागी जो रायपुर निवासी है और विजय जैन वो रायपुर निवासी न्यू राजेंद्र नगर, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था कि यहाँ लाओ वहाँ लाओ। तो ये बार बार फ़ोन कर रहा था जो मुझे ले गया था हितेश चंद साहू कि मैं पकड़ लिया हूँ, कहाँ लाना है। उस बीच उन्होंने मेरे को बहुत मारा। ये घटना इसलिए कि कहते हैं कुछ हमारा पैसे का लेन देन था जिसे मैंने दिया है अभी पैसा उनको, और अभी कुछ दिनों से दे भी रहा था मैं पैसा। अभी मेरे पास दिसंबर तक टाइम था देने का कि वो दिसंबर तक देना था पैसा, मेरे पास उसकी कॉपी भी है, लेकिन उसके पहले ही इसने घटना का अंजाम दे दिया, ऐसा कर लिया। और ये घटना पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि यहाँ पे पहले से मेरे घर के पास में बाजू वाले बता रहे हैं कि पहले से यहाँ पे लोग 4-5 लोग कार में बैठ के यहाँ पे पी खा रहे थे। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि मुझे सुरक्षा प्रदान करें, मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। कल मेरी वाइफ द्वारा कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाके लेटर दे दिया गया है। कल्याण सेवा जनजागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने कहा कि कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। सबसे पहले मैं इस अपहरण घटना के लिए, जो घटना के उपरांत पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्परता के साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए जो अपहरण हुए थे उनको तुरंत सुरक्षा की दृष्टि से उनको बचाते हुए लाया गया, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। परंतु यह घटना बहुत बड़ी घटना है और वो भी मुख्यमंत्री के निवास स्थल से कुछ ही दूरी पर निवास करते हैं।
और इस तरह का घटना होना निश्चित रूप से हम सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। और वर्तमान में जो घटना के संबंध में यहाँ के लोगों के द्वारा जब हमको जानकारी प्राप्त हुई तो परिवार से हम लोग मिलने के लिए आए थे और देखने पर कि आज जो जिस प्रकार का भिलाई 3 जो कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर के जस्ट इनके पीछे इनका घर है और इस प्रकार का घटना जो हुआ है उसके संबंध में कल हम लोगों ने जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अरविंद एक्का जी को अपर कलेक्टर जी को एक आवेदन सौंपा गया है और उस आवेदन पर अपर कलेक्टर जी ने तत्परता से उन्होंने पुलिस अधीक्षक के को भेजा है कि जल्द से जल्द इस संबंध में पूरी जांच कर कार्रवाई किया जाए और इस परिवार को सुरक्षित प्रदान करने के लिए जो कि मांग किया गया कि इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस व्यवस्था दिया जाए तो उस पर भी जल्द से जल्द हमें निवेदन है कि इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था लगाया जाएगा और जितने मुख्य आरोपी है क्योंकि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ है जो चेहरे के पीछे में है तो अपहरणकर्ता के जो मुख्य आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो। गौरतलब है कि अपहरण की इस घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया था लेकिन इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह से दहशत में आ चुका है। पीड़ित परिवार ने विजय जैन और दीपक त्यागी की गिरफ्तारी की मांग प्रशासन से की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।